गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग बायो का ही समझ लो चाहे जियोग्राफी का समझ लो, जैसा भी मानना है मान लो। आज हम लोग शुरुआत करेंगे मानव की उत्पत्ति कैसे हुई थी, यानी कि जो हम आधुनिक मानव हैं इनकी उत्पत्ति कैसे, क्योंकि सभी के मन में एक सवाल ये रहता है कि मानव की उत्पत्ति कैसे हुई थी। ठीक है, तो हम लोग समझते हैं इसको। मानव की उत्पत्ति देखो इथोपिया के जंगल में हुई थी। अफ्रीका महाद्वीप है, ये अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, और बगल में पड़ता है यूरोप और अफ्रीका, और ये ऊपर पड़ता है यूरोप, इधर पड़ता है एशिया, और इधर पड़ता है ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पर एक देश है इथोपिया, यहाँ पर स्थित है यूरोप में, नाम इथोपिया। माना जाता है कि मानव की उत्पत्ति इथोपिया के जंगलों में हुई थी। कैसे अनुमान लगाया जाता है, तो माना जाता है कि मानव की उत्पत्ति जो है ये किससे हुई थी, चिंपैंजी से, यानी कि एक मानव जो उत्पन्न हुआ है, ये मानव, इसकी उत्पत्ति किससे हुई है, एक चिंपैंजी से। कहानी को थोड़ा ध्यान से समझना, और इस बात को समझने के बाद तो बहुत कुछ बातें जो होती हैं समझ में आएगी। चिंपैंजी से हुई थी मानव की उत्पत्ति किससे हुई है, चिंपैंजी से। ठीक है, जैसे अभी तक तो सब धर्म के लोग यही करते हैं कि मानव की उत्पत्ति किससे हुई है, मानव की उत्पत्ति ब्रह्मा ने की है। तो इस्लाम धर्म मानते हैं कि मानव की उत्पत्ति पहला व्यक्ति जो था उसका नाम था आदम था, उसको पैगंबर ने अल्लाह ने भेजा है। और क्रिश्चियन धर्म मानते हैं कि उनके गाड ने भेजा था पहला व्यक्ति एडम्स के रूप में। सभी धर्म के लोगों की अपनी अपनी मान्यता है, चूंकि वो लोग मूर्ख और रूढ़िवादी लोग होते हैं, धर्म के पुजारी लोग, तो हम लोग धर्म की बातों को लेकर नहीं मानेंगे। हम लोग साइंस पे आते हैं कि साइंस इसके पीछे क्या है। तो हम लोग चिंपैंजी से मानव की उत्पत्ति मानते हैं, इसके पीछे के कारण क्या है। धार्मिक लोगों की तरह मूर्ख मत बनना, जब भी तैयारी में आते हैं तो उसमें हम लोग लॉजिक पे बात करते हैं। तो चिंपैंजी के अंदर जो गुणसूत्र की संख्या होती है कितनी होती है, गुणसूत्र की संख्या होती है 48, कितनी होती है 48 होती है, और मानव में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है 46। चिंपैंजी में होता है ये, चिंपैंजी में कितना होता है 48, और मानव में कितने होते हैं 46 गुणसूत्र होते हैं। इसकी कहानी ये है कि जैसे मान लेते हैं कि हम आधुनिक मानव हैं, तो हम आधुनिक मानव में कभी कभी एक गुणसूत्र कम या बेसी हो जाते हैं। जैसे कि मान लो कि जो हम लोगों में थर्ड जेंडर होता है, कल मैंने बताया था कि थर्ड जेंडर क्या होते हैं, थर्ड जेंडर जिसे किंडर कहते हैं, थर्ड जेंडर। अगर किसी व्यक्ति के अंदर गुणसूत्रों की संख्या यानी सेक्सुअल क्रोमोसोम्स में गुणसूत्रों की संख्या एक या दो बढ़ जाए, गुणसूत्र समझते हो ना, गुणसूत्र जो होते हैं 46 गुणसूत्र समझा लेते हैं। गुणसूत्र कुल टोटल गुणसूत्र कितने होते हैं 46, और ये तो सिंगल के रूप में होते हैं, जब इनको हम पेयर्स में बांटते हैं यानी जोड़े में बांटते हैं तो कुल कितने गुणसूत्र आते हैं 23 पेयर्स जोड़े में आते हैं, पेयर्स कहते हैं जोड़े में, 23 जोड़े होते हैं। इनमें से जो 22 होते हैं 22 जोड़े जो होते हैं, 22 पेयर्स जो होते हैं हमारे अंदर कोशिकाओं में, ये गुणसूत्र मिलता है ना, 22 पेयर्स गुणसूत्र जो होते हैं, और जो 23वां पेयर्स होता है, जो 23वां होता है इसे हम कहते हैं सेक्सुअल क्रोमोसोम। इसे क्या कहते हैं, सेक्सुअल क्रोमोसोम, और इसे क्या कहते हैं हम लोग, ऑटोसोम बोलते हैं, ऑटोसोम हिंदी में कहते हैं इसे कायिक गुणसूत्र। क्या बोलते हैं, कायिक गुणसूत्र, यानी कि जिन गुणसूत्रों से हमारे शरीर की पूरी रचना होती है उसे हम लोग कहते हैं कायिक गुणसूत्र, और जिनसे हमारे सेक्स का निर्धारण होता है यानी लिंग का निर्धारण होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, लैंगिक गुणसूत्र। तो कोई भी व्यक्ति महिला होगी कि पुरुष होगा ये किस पर निर्भर होता है, हमारे लैंगिक गुणसूत्र पर होते हैं, लैंगिक गुणसूत्र पर। तो चिंपैंजी जैसा हमने बताया कि हमारे अंदर अगर गुणसूत्र 23वां जो गुणसूत्र है जोड़े मिलते हैं, मान लो कि आपके अंदर 44 के 44 गुणसूत्र क्या है, सही है, 22 जोड़ी तो सही था, 23वें गुणसूत्र में मान लेते हैं कि कितने गुणसूत्र हो गए, 3x हो गए, कितने हो गए 3x हो गए,
तब वो अब टोटल मिला जुला के कितने हो जाएंगे, 47 हो जाएंगे। अब वो ना तो नर रह गया ना ही मादा, न पुरुष रह गया और ना ही महिला, अब वो थर्ड जेंडर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? थर्ड जेंडर। थर्ड जेंडर क्यों हो जाएगा? क्योंकि याद करो कि जो हमने अभी पिछली कक्षा में जब पढ़ाया था निषेचन क्रिया, तो हमने बताया था कि स्पर्म और ओवम में जब अगली पीढ़ी में जब हम संतति पैदा करने के लिए स्पर्म और ओवम भेजते हैं, तो उनमें गुणसूत्रों को आधा करके भेजा जाता है। गुणसूत्रों को क्या किया जाता है? आधा करके भेजा जाता है, यानी कि 46 से तो आधा कितना 23 करके भेजे जाते हैं। लेकिन अब 47 हो जाएंगे, 44 + 3 कितने हो जाएंगे 47, तो 47 का आधा हो ही नहीं सकता, यानी लैंगिक गुणसूत्र में एक कमी हो जाएगी या एक बेसी। अगर मतलब 44 एक कम हो गया, अब एक ही आया तो 45 हो जाएंगे, 45 का तो आधा हो ही नहीं पाएगा। अगर एक बेसी हो गया, 44 + 3 = 47 हो गए, तो भी तो एक बेसी हो गया। इसका मतलब है कि अगली पीढ़ी के लिए जो हम आधे गुणसूत्र करके भेजते हैं, यानी अर्धसूत्री जो विभाजन होता है, वो हो ही नहीं पाएगा। तो हमने बताया कि अगली पीढ़ी में कैसे भेजे जाते हैं, आधे करके भेजे जाते हैं। अब चूंकि एक बेसी और एक कम हो गया, तो अगली पीढ़ी बना ही नहीं सकता, तो इसे हम लोग कहते हैं कि वो व्यक्ति जो पैदा होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा नपुंसक, यानी कि वह अब लैंगिक क्रिया करने के लिए क्या हो जाएगा, अयोग्य हो जाएगा। जब भी किसी व्यक्ति के अंदर लैंगिक गुणसूत्रों में एक कम या अधिक, एक अधिक या कम होगी, तो इसका मतलब वो लैंगिक क्रिया करने में असमर्थ हो जाएगा। इसे हम लोग कहते हैं थर्ड जेंडर, ठीक है। लेकिन अगर कायिक गुणसूत्रों में कम या बेसी हुआ, कायिक गुणसूत्रों में जो ऑटोसोम्स है, अगर मान लो कि दो बढ़ गए, इनमें जो 22 जोड़ी होता है, इन 22 जोड़ी है, इनमें से किसी एक जोड़ी में अगर एक दो बढ़ गए या दो क्या हो गए, घट गए। अगर दो घट गए तो 21 हो जाएंगे, अगर दो बढ़ गए तो 23 हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि लैंगिक क्रिया पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मतलब ये हुआ कि इन 22 जोड़ों में, यानी कायिक गुणसूत्र में, अगर एक या दो गुणसूत्र बढ़ेंगे या घटेंगे, तो इससे हमारे लैंगिक क्रियाओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ, लेकिन हमारे शारीरिक संरचनाएं जो होंगी, हमारा जो शारीरिक संरचनाएं है, ये शारीरिक संरचनाओं का ढांचा पूरी तरीके से क्या होगा, बदल जाएगा। अब जैसे, अब इसमें बात नहीं समझी, जैसे हम लोग होते हैं, बातों को समझो कि जैसे हम मानव हैं, हम मानव में से ही कोई ना कोई व्यक्ति थर्ड जेंडर निकल जाता है। थर्ड जेंडर क्यों निकल गया? उसके अंदर लैंगिक गुणसूत्र में एक या दो क्या हो गए होंगे, कम या बेसी हो गए होंगे, तो लैंगिक क्रिया नहीं कर पाता है, तो हम लोग उसे कहते हैं थर्ड जेंडर, या किन्नर जिसे कहते हैं। तो हम लोगों को जब समाज में पैदा होता है, तो हम लोग अपने समाज से उन्हें क्या कर देते हैं, बाहर कर देते हैं। जैसे हम उन्हें अपने समाज से बाहर करते हैं, तो वो अपना क्या करते हैं, एक अपना ग्रुप बना लेते हैं, ठीक है। हम वो अपना जब एक ग्रुप बना लेते हैं, तो उनका एक अपना समूह हो जाता है, वो हमसे अपना दूर रह करके अपनी एक क्या करते हैं, एक अपना समूह चलाते हैं। जस्ट उसी प्रकार ये जो चिंपैंजी थे, इनके अंदर 48 गुणसूत्र थे। इथोपिया के जंगल में इनके अंदर कितने गुणसूत्र थे, 48। इनमें कुछ जेनेटिक रूप से, यानी गुणसूत्रीय रूप से, इनमें कोई ना कोई कमी हुआ होगा, तो दो गुणसूत्र क्या होंगे, कायिक गुणसूत्र में इनके जो गुणसूत्र थे, चिंपैंजी के गुणसूत्र जो थे, उनमें से किसी में क्या होगा, होगा दो घट गए होंगे। जैसे हम लोगों में किन्नर निकल जाते, इसी इनके बीच में क्या हो गया होगा, किन्नर निकल गए होंगे दो। तो उनकी शारीरिक संरचना में बनावट बदलाव आ गया, यानी हमारी आधुनिक संरचना जैसी हो गई। इसीलिए तो कहा जाता है चिंपैंजी हमारा निकटतम है, क्योंकि चिंपैंजी में दो गुणसूत्र की कमी हो जाने से हम आधुनिक मानव जैसा बन गए। तो इन लोगों ने अपने समाज से हम लोगों को क्या कर दिया, बाहर कर दिया। जैसे हम लोग इन चिंपैंजी को अपने समाज से, किन्नरों को अपने समाज से बाहर कर देते हैं, इस प्रकार से चिंपैंजी ने इन मानवों को अपने समाज से क्या कर दिया, बाहर कर दिया। उन दिनों उनको ये नहीं समझ आता था कि जिनको हम समाज से बाहर कर रहे हैं, धरती पे एक दिन वही राज करेंगे। आज ज्यादा नहीं गुजरा है, ये घटना कम से कम आज से कितने लाख साल पहले की होगी, माना जाता है 20 लाख साल पहले की घटना है ये, 20 लाख साल पहले की। 20 लाख साल पहले ये चिंपैंजी ये नहीं सोचे थे कि मानव एक समय जिनको हम अपने समाज से बाहर कर रहे हैं वही क्या करेंगे, एक दिन राज करेंगे। तो हम लोग जो है वो चिंपैंजी के द्वारा समाज से बाहर किए हुए व्यक्ति हैं, उनके लिए हम एक प्रकार से थर्ड जेंडर थे चिंपैंजी के लिए। लेकिन देखो आज क्या जमाना आ गया कि आज हमारे लिए हमसे वो तुच्छ है, मतलब हम अपने से नीचे। तो मानव को क्या चिंपैंजी फिर से बनाया जा सकता है, बिल्कुल बनाया जा सकता है। इनके अंदर दो गुणसूत्र की क्या कर दो, वृद्धि कर दो कायिक गुणसूत्रों में, मानव फिर से किस रूप में चला जाएगा, चिंपैंजी। इसीलिए कहा जाता है ना कि हम ऐसा क्यों है, तो हम ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे जीन ऐसे हैं। तो तुमसे अगर कोई पूछे कि बताओ भाई तुम ऐसा क्यों हो, तो बताओ कि तुम्हारे जीन ऐसे हैं इसलिए तुम ऐसा, ठीक है। तो तुम्हारे सभी गुणों के लिए, तो
हमारे पूरे शरीर की बनावट के लिए कौन जिम्मेदार है? ये जीन जिम्मेदार है। तो यही गुणसूत्र जो कि जीन से मिलकर बने होते हैं। गुणसूत्र किससे मिलकर बने होते हैं? जीनों से मिलकर बने होते हैं। तो हम ये मानव उत्पत्ति का रहस्य है, और बाकी तुम लोगों ने धर्मों में पढ़ा होगा अलग अलग धर्म। तो देखो जितने भी धर्म है, चाहे वो इस्लाम धर्म है, चाहे बौद्ध धर्म है, चाहे हिंदू धर्म है, मेरा किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं है। सभी धर्म मैं किसी धर्म को मानता भी नहीं हूँ। तो मैं मानव उत्पत्ति से संबंधित जितने भी रहस्यमयी बातें ये बताते हैं कि इन्होंने ऐसा किया, भगवान ने ऐसा किया, गॉड ने ऐसा किया, अल्लाह ने ऐसा किया, सब बातें बकवास है। उन बातों पे विश्वास नहीं करते। जो एजुकेटेड लोग होते हैं वो लोग इन बातों पे तो खास तौर से ध्यान दें। इस बातों को प्रूव किया गया इथोपिया के जंगल। और एक बात और बता देता हूँ, ये जो यहाँ के जंगलों में शुरुआत हुई थी, सबसे पहले मानव उत्पत्ति हुई थी, आज भी ये लगभग वैसे ही है। आज भी देखोगे यहाँ के मानव तो चिंपैंजी जैसे ही दिखेंगे। देखे होगे तुम लोगों ने अफ्रीका के जनजातियों को, ट्राइब्स को तुम लोग सर्च करना, खोजना, आज भी यहाँ के व्यक्ति तुम्हें वैसे ही लगभग मिलेंगे। तो मानव उत्पत्ति सबसे पहले अफ्रीका में हुई थी, और अफ्रीका आज भी सबसे गरीब है। इसको अंध महाद्वीप भी कहा जाता है, इसकी गरीबी के कारण। तो बड़ी अजीब रचना इस देश की इथोपिया की, और आज भी सबसे गरीब देशों में गिनती होती है इथोपिया की, भारत का इथोपिया जिसे मध्य प्रदेश को कहा जाता है। ठीक है, तो ये बातें हैं कुछ समझना। और फिर बाकी इसमें बहुत कुछ बातें जिसको हम जब जीनेटिक्स पढ़ाएंगे ना, जीनेटिक्स, तो जीनेटिक्स में बातों को समझाएंगे कि सब कैसे घटनाएं होती हैं, कैसे लड़का लड़की सब निर्धारण होता है, हम बताएंगे उसमें। तो जैसे ये आज थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वीडियो है, कल इसी प्रकार से एक और इंटरेस्टिंग वीडियो, मतलब अब इंटरेस्टिंग वीडियो कुछ दिन लेकर आएंगे, जब तक हमारा 1000 सब्सक्राइबर नहीं हो जाता है। 1000 जैसे ही सब्सक्राइबर हो जाएंगे, मैं UPSC यानी कि जो IAS कैसे बनते हैं, कल उसको बनाएंगे कि IAS कैसे बनते हैं, या PCS की नौकरी, PCS कैसे बनते हैं, ये इस पर कल वीडियो हम जरूर बनाएंगे कि और क्या सिलेबस है और क्या क्राइटेरिया है, कैसे कौन फार्म भर सकता है, कौन फार्म नहीं भर सकता है, IAS और PCS दोनों का। तो कमेंट कीजिएगा जरूर कि पहले किस पर बनाए, IAS पर या फिर PCS पर, और उसके अकॉर्डिंग हम वीडियो बनाएंगे। जैसे ही 1000 सब्सक्राइबर होंगे, रेगुलरली सब वीडियो आने चालू होंगे, IAS के सिलेबस का भी और PCS के सिलेबस का भी। तो बताना जैसे, ठीक है, धन्यवाद।